ये शॉर्ट वीडियो मैं स्टीफंस लॉ के ग्रेफ से रिलेटेड जो है मैं वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, जो डाउट है वो जिससे क्लियर हो जाए, कुछ गलती भी हो गई है वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ये स्टीफंस लॉ होता है, अगर हम इसमें लॉग ले लें तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन इस तरह की बन के आ जाएगी। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी होता है कि जब दो क्वान्टिटीज़ मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो उसको हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स लॉग 10 बेस पर सिग्मा प्लस लॉग 10 बेस पर टी पावर 4। अब जब पावर होती है लॉग में तो ये एक और प्रॉपर्टी होती है, पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है पहले, और टी और आर में डायरेक्टली रिलेशन है सो हम टी को रिप्लेस कर सकते हैं आर से। लॉग पी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 log r प्लस लॉग 10 बेस पर सिग्मा। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सिग्मा क्या स्टीफन कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, c कांस्टेंट होता है, x और y वेरिएबल हैं, m स्लोप होता है। तो इससे ये देखिए y किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, log 10 बेस पर p के, और x करस्पॉन्ड कर रहा है log 10 बेस पे r पे। सो हमें प्लॉट करना है x एक्सिस पे log r और y एक्सिस पे log p। गलती से हमने जो प्लॉट किया है वो लॉग पी को एक्स एक्सिस पे और लॉग आर को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया है, वो मैनुअल में भी वैसा ही लिखा है, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये जो लॉग पी मैंने एक्स एक्सिस पे भी है और एक्स एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे लॉग आर है, तो जो ग्राफ है उसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लॉग आर को वाई एक्सिस पे और लॉग पी को एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वो जो स्लोप निकल के आएगा वो अल्फ़ा के इक्वल नहीं होगा, बल्कि वो 1/अल्फ़ा होगा इस तरह से, ठीक है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/स्लोप, तो जो स्लोप आपका निकल के आ रहा है 0.2 और 0.3, अगर उसको 1 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो फिर एग्जैक्टली लगभग 4 के करीब करीब आ जाएगी, जिससे हमारा स्टीफन लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि कुछ चेंज नहीं करना है, रीडिंग भी वही रखना है, ग्राफ जो प्लॉट हो गया है कुछ इस तरह का नेचर है उसका वो भी वही रखना है, बस हमने जो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की है ये हमने लिए हैं ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो अब सिर्फ इतना करना है कि जो स्लोप निकल के आया है तो कुछ चेंज नहीं करना है, जो ग्राफ आपने प्लॉट किया था वही करने रहने दीजिए, जो स्लोप आया था वही रहने दीजिए, लेकिन वो स्लोप जो आया है अब उसको अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/स्लोप ये कर देंगे हम। तो अब उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर जो कुछ इसके करीब आ रहा होगा, ठीक है। सो ये अल्फ़ा नहीं है, ये स्लोप निकाला है हमने। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू जैसे ही 1/स्लोप करेंगे मतलब 1 से डिवाइड देंगे 0.289 को, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा जो कि लगभग 3.4 और 4 के पास पास है, जिससे हमारा स्टीफन्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो मिस्टेक बस यही हुई थी कि हमने ये एक्सिस चेंज कर लिए थे। अब या तो इसका तरीका ये है कि इस ग्राफ दूसरा प्लॉट किया जाए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, अब ग्राफ प्लॉट हो गया है तो क्या करते हैं हम स्लोप को रिवर्ट कर लेते हैं, जिससे आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा और फिर आप ये सबमिट कर सकते हैं।